हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। विकास और अभिवृद्धि बच्चों में कब शुरू होता है? तो ये शुरू होता है गर्भावस्था से। रक्त सर्वदाता रक्त वर्ग किसे कहते हैं? तो कहते हैं ओ वर्ग के रक्त को। सर्वग्राही रक्त वर्ग क्या है? तो यह है ए बी। जैव विकास की किताब फिलोसफी जूलॉजिकल किसने लिखी है? तो लिखी है लैमार्क ने। हरे पौधे क्या हैं? तो हरे पौधे हैं सोपोसी। सोपोसी का मतलब वो होता है जो अपना भोजन अपने आप से बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। हेट्रोडेरा किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो यह है प्राथमिक उपभोक्ता। अल्पज्ञ का विलोम क्या है? अल्पक का विलोम है ऊसर। चिरंतन का विलोम क्या है? तो इसका है नश्वर। सृष्टि का विलोम क्या है? प्रलय। अस्थावर का विलोम क्या है? जंगम। हेय का विलोम क्या है? ग्राह्य। उद्दत का विलोम क्या है? सौख्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो ये थे स्वर्ण सिंह समिति। वित्त आयोग के गठन पर प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 270 में। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कितने न्यायाधीश करते हैं? तो ये करते हैं 5। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? तो ये की गई 6 अक्टूबर 1985 को। और अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? तो ये की गई 18 और 21। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत लड़कियों लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित की गई है? तो इसका आंसर होगा शारदा अधिनियम। धारणीय विकास के किस उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी का संवेदनाशीलता का विषय है? तो यह है प्राकृतिक संसाधन। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के क्या है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, और निर्धनता को घटाना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती? तो यह है रेडॉन। और आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1985 को। तो दोस्त, ये हो गया वीडियो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बहुत सारे चैनल पर क्या है कि वो आपको आधा घंटा से लेकर 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक पढ़ाते हैं और आपको 20 से 15 क्वेश्चन बताते हैं, दुनिया भर का बकवास। आप आइए ऑनलाइन, इनको ऑनलाइन, ये आपके समय की बर्बादी है। आप इन चीज़ों को समझिए और अच्छी जगह से अपने नॉलेज को गेन करिए, अपने समय को बचाइए, और एक्स्ट्रा विषय जो आपके व्यस्त हैं उनको भी पढ़िए। तो दोस्त, ये हो गया वीडियो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।